साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ मणिपुर का जो कुकी एरिया में जो हमने एंट्री किया, ये सीमेंट्री जो एंट्रेंस है, यहाँ जो रिलीफ कैंप है, यहाँ काफ़ी परिवार यहाँ रह रहा है। एक बार कोई भी देखेगा, इतना दुख होता है कोई सोच नहीं सकते। छोटे बच्चे से लेके माँ, जो ओल्ड एज लोग है, किस तरीके के जी रहा है हमारा देश में हो रहा है। मीन्स वो भी मणिपुर, तो कहीं ना कहीं सरकार को जल्दी से जल्दी इस पे इन्वॉल्व होना चाहिए, इसको हल निकलना चाहिए। क्यों लगभग हो रहा है, ऑलरेडी 8 महीने हो रहा है, तो 40,000 लोग के ऊपर लोग अभी भी जो रिलीफ कैंप में रह रहा है, और इन लोग कितना दिन रहना है। बच्चे लोग से काफ़ी बच्चे से मैं बात कर रहा था, उनको कहना है अपना घर जाना चाहते हैं, अपने स्कूल जाना चाहते हैं, अपने रिश्तेदार अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये कोई भी सामने से देखेगा, वो अंदर का जो दुख है ना, मैं बता नहीं सकता हूँ आप लोगों को। मैं भगवान से भी मैं प्रेयर करता हूँ, जल्दी से जल्दी भगवान इन सब जो 40,000 लोग है कैंप में, उनको शक्ति दे, ये जो भी समस्या है ये समस्या जल्दी निपट जाए। Thank you.